हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एफर्मेशंस। एफर्मेशंस क्या है? आपने ये बात सुनी होगी कि दो लोग हैं, दोनों ने एक ही फील्ड, एक ही स्ट्रीम चूज की है, लेकिन एक है जो उसमें बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है और एक है जो कहता है ये कोई काम की फील्ड नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है, कोई बकवास है सब कुछ, राइट? चीज एक ही होती है, लेकिन क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो अलग अलग होती है, इसलिए जो हमारे रिजल्ट्स है, आउटकम है लाइफ में, जो सक्सेस है, हमें जो मिलती है लाइफ में, वो टोटली अलग अलग होती है डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्रामिंग ऑफ योर माइंड। तो ये प्रोग्रामिंग करनी कैसे है? जाने अनजाने बचपन से लेकर अब तक हमारे पेरेंट्स, हमारे इन्फ्लुएंसर्स, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, इनके कारण या जो एनवायरनमेंट जिसमें हम रहते थे उसके वजह से हमारी एक प्रोग्रामिंग बन गई है। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं इंग्लिश में बहुत वीक हूँ या मैं मैथ्स तो कर ही नहीं सकता, मेरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है, ये हमारे ब्रेन में आ गया है, इट्स इन द सबकॉन्शियस माइंड नाउ। लेकिन आज भी अगर आपको ये एक बात समझ में आ जाती है कि अगर हमारी प्रोग्रामिंग, माइंड की प्रोग्रामिंग स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, पॉजिटिव है, तो कहते हैं ना रेगिस्तान में से भी आप पानी निकाल आओगे। ये है पावर हमारी प्रोग्रामिंग की, हमारे माइंड की, हमारी ब्रेन की। और इसी को समझने के लिए हम यूज करते हैं एफर्मेशंस को। एफर्मेशंस कुछ भी नहीं है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम अपने ब्रेन को, अपने माइंड को एक कमांड देते हैं। लेट्स से आई एम द चैंपियन। आपको ये जब एफर्मेशंस देने हैं अपने आप को पॉजिटिव फीलिंग के साथ करना है। केवल कहना नहीं है कि मैं चैंपियन हूं, आई एम चैंपियन, ऐसे आपको फील करके उस चीज को कहना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अनदर, आई एम अ रॉक स्टार, मैं एक रॉक स्टार हूं। आप कभी ये नहीं सोचोगे, आपका ब्रेन आपको ये नहीं कहेगा कि अरे तूने तो कभी गाना नहीं गाया, तू कैसे इस चीज को करेगा, ये तूने कभी आर्ट क्राफ्ट नहीं किया है, तुझको नहीं आएगा ये। नो, योर ब्रेन विल से आई एम अ चैंपियन, आई एम अ रॉक स्टार। और फिर ये जो बॉडी है ये ऐसे ही फंक्शन करेगी जो कि आपका ब्रेन इसको कहेगा। ये अफर्मेशंस आपको मॉर्निंग में अपने मन को देने हैं, जबकि आपका माइंड बिल्कुल साइलेंट होता है, उसमें और कोई भी थॉट्स नहीं होती है, तब आपको ये बीज अपने माइंड में बोने हैं पॉजिटिविटी के। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रिच, मेरे पास पैसा तो हमेशा ही होता है, पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, मनी फ्लोज इन टू माई लाइफ effortlessly, I am wealthy, I am rich। आप जब ये affirmations खुद को देते हो ना, तो ये जाते हैं प्रकृति में, जिसको हम कहते हैं 5 elements में, और वही reaction होकर के आपके पास वापस आते हैं। Suppose मैं कहती हूँ मैं बहुत धनवान हूँ, धन ये जो प्रकृति में मैंने भेजा है कि बाहर जा रहा है, reaction होकर के मेरे ही पास वापस आ रहा है, तो ये affirmations में ताकत है। लेकिन आपको इस एक एक affirmation को फीलिंग के साथ में अंदर तक जाने देना है, यानी आपके माइंड के अंदर। ऑलराइट, इसी में अब एक बेस्ट वे एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करने का, जो कि मैं भी करती हूँ, वो है मैं डायरी में लिखा करती हूँ। आप भी एक डायरी बना सकते हो और इसमें रेगुलर प्रैक्टिस कर सकते 21 days के लिए। इससे क्या होता है, जब हम राइटिंग करते हैं तब हमारी आईज, नोज, लिप्स, मुंह से हम मन में वो कह रहे हैं, हम ईयर से, मतलब टोटल जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन, ये जो सेंस ऑर्गन्स है ना, हम राइटिंग कर रहे हैं, हमारा माइंड कॉन्सेंट्रेटेड है, आईज देख रही है, हम फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसी बारे में, तो ये सेंस ऑर्गन्स भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं पूरी तरीके से। जब मैं ये लिखती हूँ, सपोज आई एम कॉन्सेंट्रेटेड हियर, आई एम अ रॉक स्टार, राइट? तो मैं लिख रही हूँ तो मेरे अंदर जा भी रहा है, मेरी एक एक सेंस ऑर्गन उस पर, एक एक कर्म इंद्रिय उस पर ही फोकस्ड है, तो ये डायरेक्टली मेरे अंदर जाता है। इससे आप यूज कर सकते हैं अपने माइंड की प्रोग्रामिंग को बदलने के लिए, यानी कि पॉजिटिव करने के लिए। कई लोग कहते हैं कि मैं करता तो हूँ लेकिन मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करना शुरू करें लाइफ में और आप खुद देखेंगे कि कैसे मैजिक होता है, कैसे आपकी लाइफ की हर सिचुएशन बदल जाती है। क्योंकि व्हेन यू मास्टर योर थॉट्स, यू मास्टर योर लाइफ।
आपकी थॉट्स ही तो है जो सब कुछ डिसाइड कर रहे हैं, आपकी हर एरिया की सफलता को डिसाइड कर रहे हैं। जब आप ये कहते हो आई एम बॉर्न टू विन, आपके अंदर दूसरी कोई थॉट ही नहीं आती है कि ये होगा भी या नहीं, ये मेरे से होगा या नहीं होगा, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, मैं कर लेता हूँ। नहीं, आपको एक स्ट्रॉन्ग और डिटरमाइंड एफर्मेशन अपने आप को देना है, हमेशा देते रहना है आई एम बॉर्न टू विन। अरे मैं तो पैदा ही जीत के लिए हुआ हूँ, मैं तो हूँ ही विजयी। आई एम बॉर्न टू विन, फीलिंग के साथ में, इमोशंस के साथ में आपको इन एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करना है। आई एम अ मनी मैग्नेट, मनी मेरे पास खींचा चला आता है, हर दिशा से मेरे पास पैसा आ रहा है। आई एम अ मनी मैग्नेट, इंस्टेड ऑफ सेइंग माना कि प्रेजेंट में आपकी वो कंडीशन नहीं है या ये आपकी स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, लेकिन अब प्रॉब्लम पे फोकस आपको नहीं करना है, आप उसके सोल्यूशन पे फोकस्ड हो रहे हो। तो यहाँ पे आप अपने जैसे ही इसको प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, आई एम अ मनी मैग्नेट, मेरे पास मनी एफर्टलेसली आता है, मनी इज इन द एयर, इस तरीके से जब आप इसको फीलिंग के साथ में करते हो ना, तब आपकी लाइफ की एक एक एरिया बदलने लगती है। आप इसको ऑब्जर्व करोगे और 21 डेज तक अगर आप इसको लिखते हो, एक भी अफर्मेशन को, आप जो भी आपको पसंद है, जो भी आप जिस एरिया में अपने आप को बदलना चाहते हो, अपनी प्रोग्रामिंग को बदलना चाहते हो, आप वो ले लो। सपोज आई एम अ मनी मैग्नेट, या फिर आई एम नंबर वन, या फिर आई एम बॉर्न टू लीड, मेरे जैसा खुशनसीब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। आप जैसे ये करते हो तो आप देखोगे आपके पास खुशियां चल कर आ रही है, आपकी लाइफ में सिर्फ खुशियां ही खुशियां है, आप जहां भी जा रहे हो खुशियां ही बिखेर रहे हो, आपके पास सिर्फ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी आ रही है। ये है मिरेकल, ये है मैजिक एक एक अफर्मेशन का। तो आप इसको प्रैक्टिस करें, 21 टाइम्स लिख करके करें, या फिर आप जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं तो इनको अपने माइंड में जाने दें, इस पर कॉन्सेंट्रेट करें, इस पर फोकस हो जाए। थर्ड फॉर्म जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वह आप मॉर्निंग में जैसे ही उठते हो बेड से, आपका माइंड बिल्कुल साइलेंट होता है, उसमें और कोई थॉट्स नहीं होती है, तब आप ये पॉजिटिविटी के जैसे कि बीज बो रहे हो। और फिर ये फाइनली जब ये अंदर चले जाते हैं ना हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में, तो ये बड़े से झाड़ की तरह हमारी पूरी लाइफ को उसी रूप में डिजाइन कर देते हैं। जैसे मैं कहती हूँ, मेरे जैसा खुशनसीब और कोई भी नहीं है संसार में, तो आप देखोगे कि सारे दिन में, सारे जीवन में आपकी खुशियां ही खुशियां आती जा रही है। ये है मैजिक एफर्मेशंस का।